प्रभुपाद की जय। मुझसे किसी ने पूछा था कि सभी ब्रह्मचारी बनेंगे तो संसार कैसे चलेगा, स्पेशली जब मैं खुद फुल टाइम बना था तो मेरी दादी ने पूछा था, अभी तुम ब्रह्मचारी बन गए, सभी ब्रह्मचारी करेंगे, संसार कैसे चलेगा, इसलिए शादी करो। ये भी एक पॉइंट है, जो बच्चा फुल टाइम बनता है तो उसके पेरेंट्स रिलेटिव्स यही पॉइंट उठाते हैं, सभी ब्रह्मचारी बनेंगे तो संसार कैसे चलेगा, संसार छोड़ो हमारा कुल कैसे चलेगा। सो आंसर ये है कि पहली बात है, सभी ब्रह्मचारी बन नहीं सकते। इच्छा ज़रूर कर सकते हैं, मगर यह असंभव है कि संसार के सभी सारे लड़के ब्रह्मचारी बन जाएं, ये असंभव है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो वैकुंठ ही बन जाएगा, फिर इसको संसार ही क्यों कहेंगे। तो संसार में जब कोई आया है, जैसे जो हम लोग आए हैं जीव आत्माएं, जो हम लोग पैदा होते हैं, काम वासना का जो वेग है वो इस सृष्टि के चक्र को चलाता है, और उसको विजय करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटा एक आ ब्रह्मा भुवन आलोक का कृष्णा कह रहे हैं, छोटे से छोटा जीव, कीड़ा, एक कीड़ा है उसका नाम होता है इंद्रगोप, शास्त्रों में लिखा है सबसे छोटा कीड़ा है संसार का। अब वो कीड़ा बैक्टीरिया है वो नहीं पता, बट सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है इंद्रगोप। सो ब्रह्मा से लेकर इंद्रगोप सब में काम वासना है, ये भी लिखा है शास्त्रों में। सो जिस शक्ति से संसार चक्र चल रहा है, उस शक्ति को पूरी तरह विजय करना बहुत ही कम लोगों की बात है, उन्हीं को कहते हैं महात्मा, उन्हीं को कहते हैं परमहंस। तो जितने भी डिवोटीज हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या डिवोटी बनते हैं, हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। ठीक है, आप गृहस्थ में ला के शादी कर लो, बट ये असंभव है। तो इसलिए ये कहना सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, ये लॉजिक बेकार है। दूसरी बात ये है कि अगर सब ब्रह्मचारी बन भी गए, मान लीजिए सब ब्रह्मचारी बन गए, तो ठीक है, सारे जो लोग ब्रह्मचारी बन गए वो अपना भक्ति करें, पूरी एनर्जी भक्ति में लगाएं, और सारी जो फीमेल्स हैं वो ब्रह्मचारी नहीं बन जाए वो भी हो सकता है। जैसे बुद्धिज्म में नंस होती हैं, क्रिश्चियनिटी में भी नंस होती हैं, वो भी भक्ति करें, पुरुष भी भक्ति करें, अपना चलते रहें, आपका संसार ख़त्म हो जाएगा। संसार ख़त्म हो जाएगा, हाँ ख़त्म होने दो भाई। प्रभुपाद से पूछा था, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है बट दूसरे क्वेश्चन का आंसर, प्रभुपाद ने कहा कि अगर जेल खाली हो जाए तो हमें खुशी होगी या दुख होगा, ये बताओ। जेल खाली होगा तो खुशी तो रहेंगे, अच्छा वो जेल खाली है, क्रिमिनल नहीं बचा। शास्त्र के अनुसार ये भौतिक जगत, ये जो जगह जहाँ बैठे हैं, जेल है ये, हमें अच्छी जगह लगती है, अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, बट एक्चुअली प्रिजन है, जेल है। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनको यहाँ पे भेजा जाता है। तो अगर सब भक्ति करके फालतू के कामों में इन्वॉल्व ना होकर पूरी अटेंशन भक्ति में लगा दें, सारे लड़के भक्ति में लग जाएं, सारी लड़कियाँ भी भक्ति में लग जाएं, शादी वादी क्यों करनी है, क्यों आगे बढ़ाना है, जो भी करना है, और सब निकल जाए, संसार ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा खाली हो गया। ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर सारे ब्रह्मचारी बन भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट है ना, संसार चलाना ही क्यों है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर सारे लोग, सारे बच्चे ब्रह्मचारी बन जाएं, सारी लड़कियां ब्रह्मचारी बन के सो कॉल लगा, क्योंकि ब्रह्मचारी नहीं होगी तो शादी किससे करेंगे, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सारी लड़कियां भी भक्ति करेंगी, सब भगवान के धाम चले गए, तो भी संसार चलता रहेगा, खाली फिर भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस संसार को चलाने का जिम्मा भगवान का, वो चलाते रहेंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी। प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें क्या टेंशन है संसार कैसे चलाना है, वो भगवान का काम है, तुम भक्ति करो, निकलो यहाँ से। तो अगर सब लोग भगवान के पास चले भी गए तब भी और जीवात्माएं आ जाएंगी, पूरा ब्रह्मांड अगर खाली हो गया दोबारा से जीवात्माएं, दोबारा से लोग इस संसार में आ जाएंगे, क्योंकि आत्माएं अनंत हैं, अनंत। ये भी चैतन्य चरितमृता भागवतम में आता है, अनंत आत्माएं हैं, तो खाली हो गए दोबारा अनंत आत्माएं आ जाएंगी।
फिर दोबारा से अगर वो सारे बच्चे ब्रह्मचारी बन गए, सारी लड़कियां ब्रह्मचारी नहीं, फिर से भगवान के पास चले गए, दोबारा आ जाएंगी। संसार तो चलता ही रहेगा, उसकी टेंशन मत करो, टेंशन करो अपनी। और वैसे भी चौथा पॉइंट ये है कि भाई जब पैसे कमाते हैं, जब जॉब करते हैं, तो फिर कौन सोचता है संसार चलाने के बाद, मतलब कितने टाइम सोचिए अपने संसार के बारे में, सपने बारे में तो सोचते हैं, संसार जाए भाड़ में यही सोचते हैं ना लोग। और जब ये बात आई कि कोई ब्रह्मचारी बन रहा है, कोई साधु बन रहा है, तब क्वेश्चन आ गया संसार कैसे चलेगा, अचानक से संसार का ध्यान कहाँ से आ गया, आज तक तो नहीं आया। सो ये सब बातें हम छोड़ें, भगवान चाहते हैं कि उनकी भक्ति करें, और यहाँ से हम भक्ति करके निकल के जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के पास पहुँचे। तो जितने जीव आत्माएं भगवान तक पहुँचेंगी, उतना ही भगवान को खुशी होगी, संसार चलाने का काम भगवान खुद कर ले, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।